How to make neon text in Premiere Pro. Hey guys, welcome back to another video. I hope you are doing great. तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को नियॉन टेक्स्ट क्रिएट करना सिखलाऊंगा प्रीमियर प्रो पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। ओके, तो सबसे पहले आप अपने Adobe प्रीमियर प्रो की स्क्रीन पर आ जाएं एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं एंड उसके बाद न्यू आइटम पर क्लिक करके सीक्वेंस एक क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर हम लोग जो डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं उसी को रहने दे रहे हैं एंड अगेन न्यू आइटम पर फिर से आना है। उसके बाद आप कलर मैट पर आकर कलर मैट को ओके करके इस तरह से आप क्रिएट कर लें एंड कलर मैट को ड्रैग कर दें टाइम लाइन पर। कलर मैट को ऐड करने के बाद अब हम लोग इस पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए फाइल पर आना है एंड यहाँ पर न्यू पर आकर लेगेसी टाइटल पर क्लिक करके ओके कर देना है एंड एक नया विंडो खुल जाएगा लेगेसी टाइटल का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लेते हैं इस तरह का। उसके बाद इसके फिल को ऑफ कर दें एंड यहाँ पास वाटर स्ट्रोक को ऐड कर देना है इस तरह से और इसके कलर को वाइट रख दें। टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पास हम लोग टेक्स्ट लिख ले रहे हैं एंड टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर लें आप अपने अकॉर्डिंग एंड इसके फिल को ऑन कर देते हैं। अगर आपका फिल ऑन है तो ऑन रहने दें एंड फॉन्ट हम लोग यहाँ पास आल्टमान नाम का एक फॉन्ट है इसे हम लोग यूज़ करते हैं इस वीडियो में। इस तरह से इसको सेंटर में कर लें दोनों चीज़ को एंड ये सब चीज़ करने के बाद सिंपली लेगेसी टाइटल को आप क्लोज कर दें एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल 03 नाम का एक ऐड हो चुका है। इसको ड्रैग कर दें टाइमलाइन के ऊपर। ऐड करने के बाद जो सबसे पहला काम करना है इसकी तीन कॉपी बनाना है। आल्ट को होल्ड रखें एंड इसको ऊपर की तरफ ले जाएँ इस तरह से। तीन कॉपी इसकी बन चुकी है। इफेक्ट पर आकर गॉशियन ब्लर सर्च कर लें एंड गॉशियन ब्लर इफेक्ट को यहाँ पास ऐड कर दें दोनों लेयर पर कॉपी टू और कॉपी वन पर एंड कॉपी वन पर हम लोग इसके गॉशियन ब्लर को इनक्रीज करते हैं 200 तक एंड इसकी ओपेसिटी को भी कम करते हैं कुछ 17% रखते हैं इसकी ओपेसिटी को एंड इसी तरह से कॉपी 02 को भी इसके भी गॉशियन ब्लर को हम लोग ब्लरनेस को इनक्रीज करते हैं। इस केस में हम लोग 36 रखते हैं एंड इसकी ओपेसिटी को हम लोग 70% रखते हैं इस बार। एंड उसके बाद न्यू आइटम पर फिर से आना है। कलर मैट पर क्लिक करके ओके कर दें। आप जिस भी तरह का नियॉन टेक्स्ट में कलर ऐड करना चाहते हैं उस तरह का यहां से आप सेलेक्ट कर लें। यहां पर हम लोग ग्रीनिश टाइप का रखना चाहते हैं एंड इसको ड्रैग कर दें इस तरह से। एंड यहाँ पास आकर ब्लेंडिंग मोड पर इसको हम लोग ओवरले कर देते हैं एंड इसकी ओपेसिटी को भी कम कर देते हैं तकरीबन 40% तक रहने देते हैं इसकी ओपेसिटी को। आप देख सकते हैं कि इस तरह का नियॉन टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग इसके कलर मैट को कलर चेंज करते हैं थोड़ा एंड इसके बाद और इसको इन्हेंस करने के लिए थोड़ा एनिमेशन ऐड करने के लिए हम लोग पेन टूल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड रेक्टेंगल टूल पर आकर इस तरह से आप शेप क्रिएट कर लें जिस तरह से मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस वीडियो में। एंड इन तीनों लेयर को हम लोग ऊपर थोड़ा करते हैं एंड इस ग्राफिक वाले को नीचे लाते हैं यहाँ पास एंड ये सब करने के बाद फिर से हम लोग इफेक्ट पर आते हैं एंड यहाँ पास हम लोग सर्च कर लेंगे ट्रैक मैट की एंड ट्रैक मैट की टाइटल 03 पर हम लोग ड्रैग कर देंगे जो पहला टाइटल था एंड यहाँ पास मैट पर आकर इसकी वीडियो लेयर आप बता दें जिस भी वीडियो पर आपकी ग्राफिक है। यहाँ पास हम लोग के केस में वीडियो 3 हम लोग देंगे एंड इसको रिवर्स कर दें इस तरह से एंड उसके बाद पोजीशन पर टॉगल एनिमेशन ऑन कर देंगे ग्राफिक वाले पर। उसके बाद इस पर हम लोग एनिमेशन ऐड कर देंगे जैसा कि आपने शुरू में देखा होगा
दो सेकंड आने के बाद हम लोग इसको इस सेट पोजीशन में कर देंगे, राइट सेट कर देते हैं इसको एंड क्लिक करके इज आउट एंड इज इन कर देंगे। आप एक बार प्ले करके देख लें एंड कुछ देर जाने के बाद की फ्रेम ऐड कर दें एंड फिर से रिवर्स आप इसको लेकर आ जाएं इस लेफ्ट साइड में इस तरह से। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं किस तरह से मैं कर रहा हूं यहां पास एनिमेशन। यहां पास थोड़ा ज़्यादा फास्ट है तो इसको आप दूर कर दें जिससे ये स्लो हो जाएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जिस तरह से आप स्लो एंड फास्ट रखना चाहें। तो यहाँ पर हम लोगों का ये एनिमेशन ऐड हो चुका है। एक और हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में कि फ्लिकरिंग आप शुरू में देखा होगा, फ्लिकर इफेक्ट किस तरह से नियॉन टेक्स्ट पर ऐड करते हैं। इसके लिए हम लोग कॉपी 02 एंड कॉपी 01 वाले पर हम लोग कट लगाएंगे। आगे आप इस टाइमलाइन को जूम कर दें एंड कट लगाएं इस तरह से एंड उसके बाद दो फ्रेम आगे जाने के बाद इस तरह से आप कट लगाते जाएं। यहाँ पर हम लोग दो दो फ्रेम को प्लेट को आगे लेकर जाकर इस तरह से कर रहे हैं एंड इस केस में हम लोग एक फ्रेम को ले रहे हैं। एंड उसके बाद इस तरह से हम लोग डिलेट करते जाते हैं अल्टरनेट कट जो लगाया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का क्रिएट हो चुका है। एक बार हम लोग फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। परफेक्ट। एंड इसमें आप फ्लिकरिंग इफेक्ट पर आप यूट्यूब से जाकर नियॉन फ्लिकर साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके यहाँ पास आप साउंड इफेक्ट लगा लें जिससे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इस ट्यूटोरियल से और अगर इसी तरह के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू।